सच कितना भी छुपा लो, छिपेगा नहीं, एक दिन सच बाहर आ ही जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, नूरपुर वाला मामला अब शांत होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अब नूरपुर के बहुत सारे सबूत सामने आ गए हैं जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। आपको पता है कि नूरपुर वाला मामला, ये जो मैटर है, ये दो समुदाय के बीच में जो मैटर उत्पन्न हुआ, एक बारात को लेकर हुआ। जब बारात को मस्जिद के सामने रोका गया था, बारात के साथ मारपीट की गई थी, वो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो को ट्वीट किया है हरी मांझी ने और इस वीडियो को पहले आप देख लीजिए, इसके बाद इस पूरे मैटर को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस मैटर में। और ये भी बताएंगे कि भीम आर्मी का अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण क्या कर रहा है इस मैटर में, ये भी आज आपको हम बताएंगे। तो पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आवाज़ नहीं होगी क्योंकि कॉपीराइट इशू है, क्योंकि इसमें म्यूजिक आ रहा है, इसलिए मैंने इसमें आवाज़ म्यूट करके रखी है। खाली आप वीडियो को देखिए, फिर मैं आपको पूरा मैटर डिस्क्राइब करता हूँ। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख लिया कि किस तरह से इस वीडियो में डीजे जा रहा है और डीजे जब मस्जिद के बाहर पहुंचता है तब उसको किस तरह से रोका जाता है। जिस तरह से आपने देखा, ये जो डीजे वाली गाड़ी जब मस्जिद के सामने पहुंचती है तब इसको रोका जाता है, किस तरह से भीड़ आती है और किस तरह से हाथापाई करती है, आपने इसको देख लिया। दोस्तों, इस वीडियो को ट्वीट किया है हरी मांझी ने। इस समय जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ट्विटर हैंडल है उनका। उन्होंने ट्वीट किया है, मस्जिद से ऐलान हो रहा है कि दलित बारातियों को जुतियाओ, दलित बेटियों की बारात मत चढ़ने दो। वाकया यूपी के अलीगढ़ का है। इन्होंने ट्वीट किया है, आप इस समय देख सकते हैं ये पूरा का पूरा मामला। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार सलम मणि त्रिपाठी ने इसको रिट्वीट भी किया है, इस मामले को उठाया भी है। लेकिन योगी सरकार इस समय सख्त है, योगी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, ये भी आज आपको बताएंगे। इसको तो आप जानते हैं, नाजिम अली ओवैसी की पार्टी के यूथ ब्रिगेड का उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष। इस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने, योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है, FIR कर दी है और शायद इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मेरे पास अभी इनपुट्स नहीं है, अगर सोशल मीडिया की माने तो गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब दोस्तों देखिए, इस मामले को लेकर अब ये मामला इतना हाईलाइट हो गया है कि ट्विटर में इस समय ट्रेंड भी कर रहा है। आप देख सकते हैं, जस्टिस फॉर नूरपुर हिंदूज, आप देख सकते हैं इस समय ये ट्विटर में ट्रेंड भी कर रहा है। अभी 28 नंबर पे मैंने इसको देखा था कि फॉर यू के अंदर ये टॉप वन पर भी ट्रेंड कर रहा था, जस्टिस फॉर नूरपुर हिंदूज, आप इस समय देख सकते हैं। दोस्तों, एक बात ये भी समझने की होगी कि इस पूरे मामले में जो हमने देखा, जो नूरपुर वाला मामला है जिसमें बड़े बड़े नेता इस समय पहुँच रहे हैं, आप देख सकते हैं कि साध्वी प्राची हिंदुओं की बहुत बड़ी नेता है, वो भी वहाँ पर पहुँच रही है, साध्वी प्राची। और इस मामले को लेकर बहुत सारे हिंदू संगठन कल और आज फिर पहुंच रहे हैं नूरपुर इस मामले को देखने के लिए कि ये मामला कहां तक जा रहा। लेकिन हमने एक चीज़ नोटिस की, जब से मैंने इस वीडियो, इस कंटेंट को या इस न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की है, तब एक चीज़ मेरे कमेंट में आ रहा है कि कहां है चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण। तो देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ की बात करते हैं। आज अलीगढ़ के नूरपुर गाँव पहुँचेगा आज़ाद समाज पार्टी का भीम आर्मी का प्रतिनिधि, मतलब जानिए क्या है मामला। आज आप समझ लीजिए, चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण नूरपुर पहुंचने वाला है इस मामले को लेकर। अभी तक चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के अध्यक्ष को ये नहीं पता था कि यहां पर क्या हुआ। करीब करीब 8 दिन इस मामले को होने को आए, आज इसकी आंखें खुली कि चलो वहां पर दलित लोग हैं, वहां पर इस तरह की घटना हुई है, आज पहुंच जाते हैं, सहानुभूति दे आते हैं। लेकिन चलिए, हम मानते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैटर तो समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है। प्रतिनिधिमंडल गाँव में जाकर सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश देते हुए स्थानीय लोगों को समझाएगा। इस मौके पर हाजी सलील, हाजी एहसान भाई मोहम्मद साहिब, मंडल प्रभारी नवाब असद भाई चौधरी, निजाम नई अब्बास चौधरी, साजिद अली भी मौजूद होंगे। अब समझ लीजिए, मैंने अपने पुराने वीडियोस में हमेशा एक चीज नोटिस की है, जो इस प्रतिनिधि मंडल में जो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के साथ ये सारे जाने वाले हैं, सलील हाजी एहसान भाई मोहम्मद, हाजी सैमान मंडी प्रभारी नवाब असद भाई चौधरी, निजाम अली भाई, ये सब लोग जाने वाले हैं।
अब मैटर आप समझ गए। जब से मैंने इस टॉपिक को पकड़ा तो एक चीज मैंने नोटिस की, मैंने हमेशा एक मामला उठाया था, जय भीम जय नीम का मैंने मामला उठाया था। अब आप समझ लीजिए, जय भीम और जय नीम तो ये यहां पर दिख रहा है, मतलब समझ रहे हैं, यहां पर भी राजनीति चल रही है, यहां पर कोई दलितों से नहीं मिला जा रहा है, यहां पर भी जय भीम जय नीम का पूरी की पूरी पॉलिटिक्स की जा रही है। ये मिलना आप समझ सकते हैं कि किस तरह का प्रतिनिधि मंडल चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के साथ जाने वाला है। आपको समझ में आया कि कौन कौन लोग इस मामले में लेकर जाने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं, आपके चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की बात हो गई, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, और अगर हम अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव के कोई बयान इसमें नहीं आ रहे हैं कि नूरपुर में जिस तरह से दलित हिंदुओं के साथ हो रहा, कोई बयान अभी तक अखिलेश यादव की ने नहीं दिए हैं, ना इस मामले को लेकर मायावती की तरफ से अभी तक मेरे जो मैंने देखा है कोई भी बयानबाजी नहीं हुई है। लेकिन आज हम कुछ सवाल अपनी तरफ से पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से नूरपुर हो, रामपुर हो, सहारनपुर हो, जिस तरह से अभी 2 से 3 दिन के अंदर हिंदुओं के साथ जो घटनाएं घटी हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी चीजें बयां करती हैं कि हिंदू देश के अंदर सुरक्षित नहीं है। जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान की, जब हम बात करते हैं हिंदुओं की, तो हिंदू देश के अंदर हमेशा पलायन क्यों करता है ये हमें समझ में नहीं आता है। और जो ये नेता है अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं दलितों को, ये लोग देख सकते हैं आप मेरे स्क्रीन पर कि किस तरह के लोगों को लेकर, किस तरह के लोगों को लेकर ये मामले को सुलटाना चाहते हैं कि इस मामले को कैसे भी दबा दिया जाए, फिर वैसे ही मामले को शांत कर दिया जाए, और किस तरह से किन किन लोगों को आजाद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण किस तरह के प्रतिनिधि मंडल को लेकर सामने जा रहा है। आप समझ गए इस मैटर को, अब देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो के सोशल मीडिया में आने के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, यूपी गवर्नमेंट पर भी सवाल खड़े होते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी आदित्यनाथ को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, और अगर उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इस तरह के वीडियो सामने आते हैं तो बहुत सारे प्रशासन पर, शासन पर सवाल खड़े करता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में ऐसी कानून व्यवस्था कैसे हो सकती है। लेकिन इस वीडियो के आने के बाद मैंने एक चीज नोटिस की है कि इस वीडियो के आने के बाद लोग एकत्रित हो रहे हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं। जस्टिस फॉर नूरपुर हिंदू नाम का एक ट्रेंड कराया जा रहा है कि किसी तरह से इस मामले को उठाया जा सके, किसी तरह से इस मामले को आगे लाया जा सके और मीडिया इसको कवर करे, जिससे इस मामले में जो आने वाला समय है, क्योंकि वहां पर पुलिस प्रशासन लगा दिया गया, वहां पर गांव के अंदर लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन जिस तरह से हमने एक चीज नोटिस की कि इस मामले को लेकर पूरा का पूरा प्रशासन लगने के बावजूद वहां पर जो हिंदू संगठन जा रहे हैं उनको वहां जाने से रोका जा रहा, वहां पर वो नहीं जा सकते, उनको खाली गांव के बाहर रोक दिया जा रहा है, क्योंकि वहां जाने से वास्तव में बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो सकती है। हम भी चाहते हैं कि वहां पर कोई ऐसी आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो जिससे कि उस गांव का पूरा माहौल खराब हो। लेकिन माहौल खराब होने की वजह से हम ये तो नहीं कर सकते कि आने वाले भविष्य में अगर इन लोगों के साथ जो वहां पर रहने वाले दलित हैं, अगर बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि बाद में पछताने जैसी घटना हो जाए, कि बाद में सोचते रहे कि हम उनसे मिलने नहीं गए, हम उनके पास पहुंच नहीं पाए, हम जो हमारे सामने पुकार रहे थे कि ये घर मकान बिका हुआ है, हम वहां नहीं पहुंच पाए और ये घटना हो गई, अगर ऐसा कुछ आने वाले समय में हो जाता है तो वास्तव में जो हिंदू समाज है एक बार सोचेगा कि हमारी गलती है कि हम वहां नहीं पहुंचे। तो इसीलिए इस वीडियो के आने के बाद एक यूनाइटेड जस्टिस फॉर नूरपुर हिंदूज को लेकर एक ट्रेंड कराया जा रहा है और इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। तो दोस्तों ये है पूरा मामला, और इस वीडियो के आने के बाद लोगों में काफी आक्रोश है कि कैसे कोई किसी की बारात को रोक सकता है, कैसे किसी कोई के फंक्शन कर रहा है, कोई किसी गली से जा रहा है उसकी उस वाहन को या उन लोगों को रोका जा सकता है, उसके साथ मारपीट की जा सकती है। दोस्तों इस मामले पर मेरी नजर है, आप लोगों के साथ मैं हूं राजवीर शाह, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। जय हिंद।